शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, 7 सितंबर दिन बुधवार को भादव मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि के इस पावन पर्व पर यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने घर में एक उपाय आप अवश्य ही करिएगा। बहुत ही सरल सा उपाय है जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी और सदा के लिए स्थायी रूप से निवास करेंगी। हमारी ऐसे छोटे छोटे उपाय और छोटे छोटे प्रयासों से ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारी ऐसी छोटी छोटी गलतियों से ही दरिद्रता हमारे घर में वास करती हैं। आपको क्या करना है, बहुत ही सरल सा उपाय आज मैं बताने वाली हूँ। इस दिन आपको क्या करना है, गाय को मात्र एक चीज़ खिलानी है आपको और माँ लक्ष्मी का स्मरण करना है। आपको क्या करना है, गौ माता को आपको एक रोटी बनानी। रोटी ऐसी आटे की रोटी आप ले ले, गेहूं के आटे की लोया ले ले और उसमें आपको नमक का प्रयोग नहीं करना है उस आटे में। और उस आटे में आपको अंदर की साइड ही आप थोड़ी सी चने की दाल, भिगोई हुई चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा घी डालकर आप उसकी रोटी बना ले। या फिर आप रोटी बनाने के बाद भी थोड़ी सी चने की दाल, गुड़ और थोड़ी सी शक्कर, घी उस पर डालें और फिर गौ माता को आप यह खिला दें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में यश हो, समृद्धि हो, शांति हो, सुख सुख हो, इसकी प्रार्थना करें और सच्चे मन से उन्हें यह खिलाएं। लगातार आप 11 दिनों तक इस उपाय को करिएगा, आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों।